हचके सोसाइटी के जिम्मेदारों के खिलाफ 65 करोड़ 17 लाख रुपए का घोटाला करने के आरोप में केस दर्ज हुआ है, जिसके बाद से लगातार डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करने की खबर सामने आ रही है। ये कोई मामूली स्कैम नहीं है, बल्कि साल 2009 से लेकर 2018 तक लगातार पीजी स्टूडेंट्स के स्टाइपेंड्स और सीट अलॉटमेंट करने के नाम पर कुल 65 करोड़ 17 लाख रुपए का स्कैम किया गया है। और इस केस में हमें यह खबर मिली थी कि पीडीए कॉलेज प्रेमिसेस में तमाम उन डॉक्यूमेंट्स को जलाया जा रहा है, जिनके सामने आने के बाद सोसाइटी के बड़े जिम्मेदार जेल की हवा खा सकते हैं। 5 अगस्त को इस मामले में एचकेई सोसाइटी के प्रेसिडेंट सचिन जी नमोशी और फार्मर प्रेसिडेंट बसवराज भीमल्ली के अलावा दीगर कुल 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कुछ दिन पहले इस केस में डॉक्यूमेंट्स छुपाने के मामले में एमआरएमसी कॉलेज में पुलिस की रेड की गई थी और अब पीडीए कॉलेज में ट्रैक्टर भरकर डॉक्यूमेंट्स जलाने की खबर मिलने पर गुलबर्गा हेडलाइंस की टीम ने पीडीए कॉलेज के प्रमाइसेस में जाकर तहकीकात करने की कोशिश की तो वहां पहुंचने तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। दरअसल इस केस में फिलहाल आरोपियों को बेल मिल चुकी है और बेल में ये कंडीशन मौजूद है कि किसी तरह से डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद इस तरह डॉक्यूमेंट्स को जलाना इस बात पर इशारा कर रहा है कि इस बड़े स्कैम को छुपाने की कोशिश की जा रही है। पीडीए कॉलेज के प्रमाइसेस में एचकेई सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीसी पाटिल की मौजूदगी में यह सब कुछ जलाया गया है और जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमसे इन्होंने कहा यह वेस्ट रद्दी है जिसको जलाया जा रहा है। पर इस तरह पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इतने सारे फाइल्स बुक्स और डॉक्यूमेंट्स जलाना कहीं ना कहीं शक पैदा कर रहा है कि ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें करोड़ों रुपयों के घोटाले का राज छुपा हुआ था। गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस केस में स्पेशल टीम के जरिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं ताकि स्कैम का शिकार हुए स्टूडेंट्स को इंसाफ मिल सके। गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए हमने एक्सक्लूसिव वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह ट्रैक्टर भरकर सबूतों को जलाया जा रहा है। हजारों स्टूडेंट्स के साथ किए गए स्कैम में पुलिस को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस केस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर एक्शन लिया जाए।